अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती और कंगना रानावत, इन तीनों के बारे में बात करने वाला हूं। कैसे कंगना रानावत ने वापस से बॉलीवुड में किसके किससे हाथ मिलाया, जो सुशांत के कातिल ही बोला जा सकता है उनको एक तरह से, क्योंकि बहुत परेशान किया गया था उनको। फिर दूसरी बात करता हूं अंकिता लोखंडे को। आज अभी यह साबित हुआ है कि अंकिता लोखंडे ने कैसे पैसे लूटे हैं, अंकिता लोखंडे ने भी सुशांत से कैसे पैसे लूटे हैं, ये बताने वाला हूं। और रिया चक्रवर्ती, अब सीबीआई पकड़ने वाली है रिया चक्रवर्ती को, ये प्रूफ हो गया है कोर्ट की तरफ से। अब क्या होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, ये तीनों औरतों के पास, ये तीनों औरतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कंगना रानावत की पहले बात करता हूं, देखो रिया की लास्ट में बात करूंगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज। कंगना रानावत की बात करता हूं। कंगना रानावत ने कितनी बार बोला कि करण जौहर ऐसा है, करण जौहर वैसा है, ड्रग्स लेता है लोगों को, नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है, सुशांत के बारे में बहुत बुरा बुरा करण ने किया, ऐसा वैसा क्या, बहुत कंगना रानावत ने बोला। लेकिन जब उसकी पिक्चर आने वाली है इमरजेंसी, तो करण जौहर के साथ हाथ मिला के वो ये कह रही है कि करण जौहर से बुलवाया गया कि हाँ मैं बहुत एक्साइट हूं, करण जौहर ने बोला कि मैं बहुत एक्साइट हूं कंगना की इमरजेंसी देखने के लिए। और ये कंगना ने बोला है करण जौहर को कि भाई तू मेरे पिक्चर को प्रमोट कर दे, मतलब अरे भगवान, ये ऐसी दुनिया है कि आप किसी से दुश्मनी कर लेते हो फिर वापस से एकदम अचानक ऐसे दोस्त बन जाते हो कि पता नहीं क्या है। तो कहा गया भाई, कहा गया वो जो आपने बोला था सुशांत सिंह राजपूत को बहुत परेशान किया करण ने, करण ऐसा करता है, करण लोगों को नेपोटिज्म करता है, लोग नए कलाकारों को खत्म कर देता है, ये सारी चीजें जो बोली थी वो कहा गई कंगना? तो नहीं, वो तो किया नहीं कंगना ने, वापिस से करण जौहर के साथ हाथ मिला लिया, मतलब ये तीनों पलट गए। बताता हूं दूसरी बात करता हूं अंकिता लोखंडे ने कैसे पैसे लूटे। एक्चुअली आपको बात पता होगी, पहले ही 3 साल पहले जब एक न्यूज आई थी कि अंकिता लोखंडे ने एक फ्लैट लिया था मलाड में, यह बात सच है, मलाड में फ्लैट लिया था, और बाजू वाला फ्लैट सुशांत ने लिया था जब वो पवित्र रिश्ता दबा के कर रहे थे, तो 2016 तक वो लोग वहां रह रहे थे। लेकिन एक साल अलग अलग फ्लैट में रहने के बाद 2000 मेरे हिसाब से 10-11 में उन्होंने डिसाइड किया, 12-13 के आसपास, कि हम लोग दोनों फ्लैट को एक कर लेते हैं, क्योंकि शादी करने का प्लान था। तो उन्होंने 2 BHK 2 BHK मिला के, उन्होंने दोनों ने मिला के 4 BHK कर दिया, घर की दीवार वगैरह तोड़ के, तो दोनों रन वहां रह रहे थे। अब 1.86 करोड़ का, 1.35 करोड़ का फ्लैट सुशांत का था और 86 लाख का कुछ पैसा हजारों का फ्लैट अंकिता का था, ठीक है। अब उसके बाद दोनों ने एक मिक्सअप कर दिया और दोनों की ईएमआई आ रही थी, तो अंकिता भी ईएमआई भर रही थी अंकिता के फ्लैट का और सुशांत भर रहा था सुशांत के फ्लैट का, लेकिन फ्लैट तो दोनों एक हो गए अभी। अब उसके बाद 2016 में जब ये अलग हो गए, तो कहा जा रहा है कि सुशांत का जो फ्लैट था आधा उसका ईएमआई सुशांत के अकाउंट से कट ही रहा था। अब क्या बोल के कट रहा था पता नहीं, लेकिन अंकिता को बाद में जब पूछा गया तो अंकिता ने अकाउंट स्टेटमेंट वायरल कर दिए, बोल दिया कि ये फ्लैट को मैं ही दे रही हूं और वही दे रही हूं। लेकिन अंकिता का तो आधा फ्लैट था, वो आधे फ्लैट जो ले लिया अंकिता ने वो किसका था, क्या था, क्या कहानी थी पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अंकिता ने जो रिकॉर्ड दिखाया बैंक का, वो उसके फ्लैट का हो सकता है, सुशांत के फ्लैट का हो सकता है, उसके अकाउंट से ही जा रहा हूं, क्योंकि रिया ने ये बोला था, मैंने नहीं बोला, ये रिया ने बोला कि सुशांत क्या अंकिता के फ्लैट के पैसे सुशांत आज भी दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम रिया उसके साथ थी। तब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अंकिता ने बोला कि मैं अपने फ्लैट की कीमत नहीं दे रही थी, और रिया बोलती है कि सुशांत पैसे पे कर रहा। चलो ये तो पैसे की बात होगी। अब क्योंकि लोग बोल रहे थे कि भाई अंकिता ने कुछ भी नहीं किया, ये अंकिता का बहुत खतरनाक सीन है भाई, संदीप सिंह ये वो सब खतरनाक चीजें, चलो बर्थडे पार्टी में संदीप को बुलाना ये सब है। चलो रिया की बात करता हूं, रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने कैसे बुला। अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई वापस बुलाने वाली है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जारी हुआ था 8 जून को कि 8 जून के बाद सुशांत ने कोई मेरे को मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो अब झूठा साबित हो गया है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो व्हाट्सएप फेसबुक से आए थे, वहां से आए कहां से आए मैं नहीं पता, लेकिन आए हैं, तो उससे रिया का झूठ साबित हो गया। तो इसीलिए कोर्ट में सीबीआई ने बोला कि भाई ये तो झूठ बोल रही है, अब ये वापिस हम इसको बुलाएंगे तो ये सच थोड़ी ना बोलने वाली है। तो सच निकालने का एक ही तरीका है, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट करके इससे सच निकलवाया जाएगा। अभी तो कोर्ट ने हाँ नहीं बोला है, लेकिन अगर हाँ हो जाता है तो फिर वेरी गुड। अब दूसरी न्यूज और रिया चक्रवर्ती की सुनाता हूं मैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में एक वेब सीरीज कंप्लीटली फाइनल हो गई है, उसकी शूटिंग चल रही है मुंबई में, ठीक है। दूसरी बात है, रिया चक्रवर्ती के साउथ की फिल्म कर रही है, लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती बोल रही है हिंदी फिल्म भी एक साइन की है, वो भी करने वाली है। बताओ भगवान कि अब ये भी कर रही है काम और ये भी कल जाके पर्दे पे दिखेगी और लोग देखेंगे भी। अब क्या बोलूं मैं इसको, लोग बॉलीवुड बॉयकॉट करें ना करें ये तो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम रिया चक्रवर्ती की फिल्में देखेंगे लोग। अब आपको इस बारे में क्या लगता है, तीनों के बारे में आप लिख सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद।